और 3200 रुपये की टारगेट रहेगी। ओके, तो 3300 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस में सेलिंग करिए और 3200 के टारगेट रहेंगे आपके पास सीमेंस पर। ये इस समय कॉल मानस की। चलिए आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनंत जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो कॉलगेट पॉमोलिव पे बाय कॉल रहेगी। जिस हिसाब से कल कॉलगेट पॉमोलिव और कंजम्पशन साइकिल में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा था यूएसएल में भी, तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर जरूर ध्यान रखना चाहिए तेजी की तरफ। तो 1485 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, और टारगेट ऑफ 1530 के। कोलगेट में खरीदारी करने का कॉल। पालवे साहब, गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप कॉल रहेगा शॉर्ट साइड पे, और उसमें भारत फोर्ज को शॉर्ट करने की सलाह। स्टॉक में देखें तो जो नवंबर के स्विंग लो थे उसका ब्रेकडाउन हुआ है, और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। भारत फोर्ज फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं लोअर साइड के, वो आना चाहिए करीब 780 से 775 तक के। करंट लेवल से थोड़ा मोट अगर पुल बैक भी मिलता है हायर साइड में टुवर्ड्स 800, तो भी शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 808 का, और डाउन साइड के टारगेट 780 775 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत फोर्ज। ओके, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।